हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आईपी सॉल्यूशन में। देखिए, बिहार दारोगा के लिए करंट अफेयर का स्पेशल सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत स्टूडेंट इसके लिए कमेंट कर रहे थे, तो ये जो है हमारा एक तरीके से टेस्ट के रूप में आएगा। और डिटेल्स में मैं 65वीं बीपीएससी का स्पेशल करंट अफेयर का सीरीज चला रहा हूँ, उसमें मैं डिटेल्स में बताते चलता हूँ। तो हर वीडियो में हमारा 100 प्रश्न आएगा और वीडियो को अंत तक आपको देखना है, और 100 में से आपने कितना सही किया है वो कमेंट में आप लोगों को बताना है। तो इसमें मैं क्वेश्चन आंसर आपको कराते चलूँगा, और 100 में आपको कम से कम 70 करना होगा करंट अफेयर में, तभी आपकी तैयारी जो है वो अच्छी मानी जाएगी। तो कितना आपका सही होता है वो चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह। तो देखिए, पहला प्रश्न है, और टोटल जो 100 क्वेश्चन है वो सभी के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। विश्व बैंक रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान विश्व में कितना है? विश्व बैंक रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान विश्व में कितना है? तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वां। ओके, 7वां इसका सही आंसर होगा। 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 38वां भारतीय धरोहर स्थल है। इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा टेस्ट है। ओके, तो इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन बी, जयपुर। नेक्स्ट है, 2018 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण कार्य करने हेतु दिया गया? देखिए, थोड़ा सा ये जो फॉन्ट है इसमें ये ऊपर वाला जो होता है जैसे कार्य, तो ये वाला जो है इसमें नहीं लिखा पाता है, तो थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे इसको, बाकी मैं करेक्ट करते जाऊंगा हर जगह पे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यौन हिंसा के खिलाफ। 4 अक्टूबर 2018 को भारत एवं रूस के बीच करीब 40,000 करोड़ रुपए का किस लड़ाकू मिसाइल की खरीद पर समझौता हुआ है? और आपको आंसर भी कमेंट में बताते जाना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, S-400। 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार संयुक्त रूप से निम्न में किस जोड़ी को प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विराट कोहली एवं मीराबाई चानू को। किस देश में जेदेक नामक एक नई भाषा खोजी गई है जिसके बोलने वाले महज 280 लोग ही हैं? जेदेक नाम है इस भाषा का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मलेशिया में। मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ओके, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर कराते चल रहा हूं। इक्यावन कविताएं काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। 12 फरवरी 2018 को राज्यवार वन रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने वन कवर में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। भारतीय मूल के किस भौतिक विज्ञान को 9 बार भौतिक विज्ञानी को 9 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, जिनका मई 2018 में निधन हो गया? भौतिक वैज्ञानिक थे ये। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ईसी जॉर्ज सुदर्शन। स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त के अलावा भी 21 अक्टूबर को लाल किला पर झंडा फहराने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं? इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। 2018 के एशिया क्रिकेट कप का विजेता टीम भारत है, तो उपविजेता टीम कौन है? एशिया क्रिकेट कप का विजेता भारत रहा है, किसको हराकर बना है ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। एक अध्ययन के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के जीव वैज्ञानिकों द्वारा किसे सबसे बृहद मस्तिष्क के आकार वाली प्रजाति निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्लू व्हेल को। 15वीं वन रिपोर्ट में कुल वनावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? नया जो 15वीं वन रिपोर्ट आया है उसमें पूछा जा रहा है कि कुल वनावरण के
देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 21.54%। स्मृति स्थल इनमें से किसका समाधि स्थल है? यह है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, खिलाओ होगा ठीक है, नामक अभियान की शुरुआत करने वाला राज्य है? यह है हरियाणा। भारत में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाला रिकॉर्ड किनके नाम दर्ज है? यह है पवन कुमार चामलिंग। किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं ये आपको कमेंट में बताना है। स्मार्ट फेंसिंग एक आधुनिक सीमा सुरक्षा उपकरण है जो सीमा पर एक अदृश्य दीवान के रूप में घुसपैठियों पर निगरानी रखने का कार्य करता है। वह भारत में पहली बार कहां लगाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कश्मीर एवं पाकिस्तान सीमा पर। ओके, कश्मीर एवं पाकिस्तान सीमा पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एशियाई खेल 2018 में पुरुष कबड्डी का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है एशियाई खेल 2018 में पुरुष कबड्डी का? देखिए इसका सही आंसर है, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ईरान। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? यह है ओडिशा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ओडिशा। FSSAI फसाई द्वारा बच्चों में विटामिन डी की कमी को ध्यान में रखते हुए एक परियोजना की शुरुआत की गई है, इस परियोजना का नाम क्या है? इसका नाम है धूप परियोजना। निम्न में से कौन सी फिल्म ऑस्कर 2019 हेतु भारत की अधिकारी प्रविष्टि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विलेज रॉकस्टार। वर्ष 2019 के लिए ब्लड बुक कैपिटल घोषित किया गया है, सॉरी वर्ल्ड होगा यहाँ पे, ओके वर्ल्ड, वर्ल्ड बुक, वर्ल्ड बुक, ओके कैपिटल घोषित किया गया है किसको? ये है सरजा यूएस। पुस्तक द कोलिजन 1996 से 2012 के लेखक हैं, ये हैं प्रणव मुखर्जी। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर की खोज की गई है, इसे वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया नाम है, वैज्ञानिकों ने इसे क्या नाम दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरस्वती। चर्चित ऐसे लिखा है, चर्चित संक्रामक रोग जिक्का सबसे पहले किसमें पाया गया? देखिए इसका सही आंसर है बंदर में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गीता, गीता से किस देश का संसद भवन ध्वस्त हो गया था? इसका सही आंसर है टोंगा का। भारत में चलित 2000 रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में रुपए का मूल्य अंकित होता है? इसका सही आंसर है 15। 21वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 जो 4 से 5 अप्रैल के मध्य गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ, उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीवी सिंधु। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस वर्ष तक दुनिया से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2030 तक दुनिया से टीबी को हटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। दक्षिण कोरिया के जेजू में संपन्न यूनेस्को की 12वीं बैठक
जिसमें कुंभ मेले को सांस्कृतिक धरोहर शामिल किया गया। वर्तमान में भारत के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की संख्या हो गई है, कितनी हो गई है यह पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 13। 9 से 25 फरवरी 2018 के मध्य आयोजित 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजक देश कौन था? तो यह है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। निम्न में से कौन सा देश 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? शीर्ष स्थान पर कौन रहा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी नॉर्वे। ओके, नॉर्वे ऐसे लिखाता है। ऑपरेशन ऑल आउट भारत में कहां चलाया गया? यह चलाया गया था जम्मू कश्मीर में। कॉपरनिकस कार्यक्रम किस देश का कार्यक्रम है? मैंने अभी बताया कि ये जो है वो फॉन्ट थोड़ा सा गलत लिखता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूरोपीय संघ। वर्ष 2018 में प्रकाशित डेयर आई क्वेश्चन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर हामिद अंसारी। 21वां राष्ट्रमंडल खेल में भारत की ओर से 17 खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 221 एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका आंसर है 66। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? इसका राइट आंसर है इंग्लैंड में। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा वर्ल्ड के किस राज्य के 3 वन्यजीव अभयारण्य को हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्रदान की गई? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा। 38 का सही आंसर है ऑप्शन सी गोवा। 2020 टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का प्रस्तावित शुभारंभ है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी मिराई तोवा। मिसिडोनिया ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है? मिसिडोनिया ने अपना नाम चेंज किया है, इसका नाम हो गया है उत्तरी मिसिडोनिया गणराज्य। निम्नलिखित में से किस देश ने स्पेस फोर्स बनाने की घोषणा की? स्पेस फोर्स कौन बनाएगा? यह बनाएगा अमेरिका। राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने किस राज्य की विधानसभा में लिंबू और तमांग जनजाति के लिए 5 अतिरिक्त सीटों को जोड़ने का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है? यह है सिक्किम। केंद्र सरकार ने परिवार व तलवारा को अनुसूचित परिवारा और तलवारा को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा प्रदान किया है, यह किस राज्य के अनुसूचित जनजाति हैं? यह है कर्नाटक के। ओके, कर्नाटक। सेडर्स ऑफ से फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी किसकी रचना है? सेडर्स ऑफ से फ्रॉम, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सब्बा नकवी। बिहार में दहेज बंदी और बाल विवाह बंदी अभियान की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2017 को। 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत की ओर से खेले गए किस खेल प्रतिस्पर्धा में सबसे अधिक कुल 16 पदक प्राप्त हुए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एथलेटिक्स। इंग्लैंड में किया गया सुपर लीग में उपस्थित होने वाला पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? उपस्थित होने वाली होगा, होने वाली। ओके, ये है ऑप्शन ए स्मृति मंधाना। एक अध्ययन के अनुसार समुद्र में कचरे के लिए 10 नदियां जिम्मेदार है, जिनमें भारत की कौन सी नदी दूसरे स्थान पे है? यह है गंगा नदी। ये 10 नदियां कौन कौन सी हैं कमेंट में आप लोग बताइए। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क जिसका नाम शक्ति स्थल रखा गया है, इसकी स्थापना भारत के किस राज्य में की जा रही है? यह किया जा रहा है कर्नाटक में। ओके, कर्नाटक।
21वें राष्ट्रमंडल खेलों में कुल प्राप्त पदकों की संख्या के आधार पर पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? भारत इसमें चौथे स्थान पे है। जानवरों और कृषि में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले किस दवा और इंजेक्शन पर सरकार ने प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? यह है ऑक्सीटॉक्सिन। किस राज्य ने उर्दू को अपने तृतीय राजकीय भाषा के रूप में अपनाया? यह है तेलंगाना। चेन्नई में स्थित जीआई दफ्तर ने किस राज्य को रसगुल्ले का उत्पत्ति स्थल देते हुए जीआई का दर्जा प्रदान किया? जीआई टैग किसको दिया गया है? यह दिया गया है पश्चिम बंगाल को। ओके। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक तालिका में भारत का स्थान है? भारत इसमें तीसरे स्थान पे है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार जैव विविधता से संपन्न लक्षद्वीप कार कौन से द्वीप तत्वों के लक्षद्वीप का कौन से द्वीप तत्वों के कटाव के चलते विलुप्त हो गया? 55। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पराली वन। दीनदयाल स्पर्श योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर है डाक टिकट से। प्रकाश है तो विकास है योजना का शुभारंभ किस महत्वपूर्ण नेता के जन्मदिवस पर किया गया? यह किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी, इनके जन्मदिवस पे। चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक पंजीयन कार्यालय द्वारा कड़कनाथ मुर्गे को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया? यह है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग जिनका 14 मार्च 2018 को निधन हो गया, निम्न में से किस रोग से ग्रसित थे? ये थे मोटर न्यूरॉन, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 15 मई वन रिपोर्ट 2017 के लिए आंकड़ों को प्राप्त करने हेतु किस उपग्रह की सहायता ली गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रिसोर्स सेट टू। समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला देश नीदरलैंड था, इसी क्रम में अब 23वां देश बन गया है। समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला देश था नीदरलैंड, 23वां देश कौन बना है यह पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी। ओके जर्मनी। यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? 62। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अहमदाबाद। निम्न में से कौन सा राज्य न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य है? यह है हरियाणा। नेशनल ब्यूरो ऑफ पॉइंट जेनेटिक रिसोर्सेस ये स्थित है? यह है नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक के अप्रैल 2018 के आकलन के अनुसार विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? यह है भारत। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री के किस वर्ष तक एड्स बीमारी को समाप्त करने का आह्वान किया राज्य मंत्री ने? ठीक है 66। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 2030 तक। इसरो द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने वाला सूर्य भारत का पहला सौर्य मिशन का नाम क्या है जिसे 2019-20 तक प्रमोचित करने जाने की योजना है? इसका सही आंसर है आदित्य L1। मीठी क्रांति निम्न में से किस वस्तु के उत्पादन से संबंधित था जिसका भारत में उत्पादन व निर्यात में छठा स्थान है? इसका सही आंसर है शहद से। ओके। सतत विकास लक्ष्य 2030 को ध्यान में रखते हुए
संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2018 से 28 को किस दशक के रूप में मनाया जाने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जल एक्शन दशक। 20 मार्च 2018 को हिमाचल प्रदेश द्वारा अपना राजकीय पक्षी घोषित किया गया है, किसे? ये जुजुराना। गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की याचिका पर फैसला देते हुए 5 सदस्यीय मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पैसिव ओमान एयर यूथेनेशिया, इसको संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 21। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात के किस शहर में की जा रही है? यह किया जा रहा है बड़ोदरा में। मिनीमाटा कन्वेंशन ऑफ मरकरी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की पहली बैठक किस शहर में हुई? यह हुआ है जेनेवा में। किस देश ने भारत के साथ दवाओं से संबंधित अपराधों का मुकाबला करने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है? यह है श्रीलंका। 1 दिसंबर 2017 को प्रारंभ मिशन संपर्क नामक कार्यनीति योजना किस रोग से संबंधित लोगों की सहायता तथा इलाज उपलब्ध कराएगा? तो इसका सही आंसर है HIV। इसरो किस राज्य में स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों, पर्यावरणविदों तथा उद्यमियों के लिए एक शोध केंद्र की स्थापना करेगा? तो यह है असम। मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड पाने वाली किस नंबर की भारतीय महिला हैं? ये छठी भारतीय महिला हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जिसके अंतर्गत 2020 तक 20 लाख किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है, इनकी कार्यविधि है, कार्यावधि होगा। इसका सही आंसर है 2016 से 20। किसानों को सौर कृषि की ओर प्रोत्साहन देने वाली योजना का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुसुम। हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है, यह है श्रीलंका में। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देते हुए गोबर व खेतों के ठोस अपशिष्टों से बायोगैस बनाने के लिए चलाई गई योजना का नाम है? इसका नाम है गोबरधन योजना। बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय विज्ञान के संचार प्रौद्योगिकी परिषद विज्ञान भारतीयों और एशियाई और सहयोग से तैयार पोर्टल है। वर्चुअल साइंस पोर्टल। किस राज्य में पहली बार जंगली जानवरों को शिकार करने वालों पर त्वरित मुक्त चलाने के लिए 10 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई है? यह है असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान से सरदार सरोवर बांध के राष्ट्र को समर्पित किया? सरदार सरोवर बांध को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवड़िया। CBSE ने 2020 से किस कक्षा के एग्जाम पैटर्न में बदलाव किए जाने की घोषणा की है? बोर्ड एग्जाम में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभी के लिए सतत ऊर्जा दशक घोषित किया गया है, 2014 से 24। केंद्र सरकार द्वारा विनय ओबेरॉय समिति का गठन किस लिए किया गया? तो इसका सही आंसर है सशस्त्र बलों की आधुनिकीकरण के लिए। भारत जो है वो रूस और जापान को पीछे कर किस क्रम का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक देश बन गया? तो ये तीसरा विद्युत उत्पादक देश बना है, सबसे बड़ा। 15वीं वन रिपोर्ट 2017 में वन क्षेत्र के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का इसमें पूछा जा रहा है। ओके,
भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 8वां। 18वें एशियाई खेल में किस खिलाड़ी ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हरिंदर सिंह ने। किस देश के द्वारा चंद्रमा के अंधेरे हिस्से की खोज के लिए उपग्रह प्रक्षेपित किया गया? चीन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ग्रीन गुड डीड्स अभियान की शुरुआत की है? यह है पर्यावरण मंत्रालय। माई लाइफ आत्मकथा है बिल क्लिंटन की। महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य का विषय है? महानदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है? यह है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उत्तराखंड में यमुना नदी पर किस बांध परियोजना हेतु तो राज्यों के मुख्यमंत्री ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए? यह है लखवाड़ा बांध। देश के वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड के सबसे छोटे तारे EBLM JO 55557 AB इसकी खोज की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ब्रिटेन। विश्व का 24वां तथा भारत का पहला मैडम तुसाद म्यूजियम भारत के किस शहर में खोला गया? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने एशियाई खेल 2018 के पहले दिन स्वर्ण पदक अर्जित किया? बजरंग पुनिया ने। चीन ने अपने पहले विदेशी सैन्य बेस पर PLA सैनिकों की तैनाती कर दी है, यह कहाँ पे स्थित है? यह जिबूती में। किस हाई कोर्ट ने हवा पानी और जमीन पर रहने वाले जीव जंतुओं की सुरक्षा हेतु तो उन्हें इंसानों की तरह कानूनी दर्जा देते हुए राज्य के नागरिकों को उनका स्थानीय अभिभावक घोषित किया है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो ये था हमारा 100 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कहीं कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक था, इसके लिए सॉरी, आगे से इसको सुधार किया जाएगा इसमें। तो आप लोग का 100 में कितना स्कोर है वो बताइए कमेंट में, और उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।